नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं मिताली। विविध रंगों से परिपूर्ण हस्तकलाओं के लिए प्रख्यात गुलाबी नगरी की सिरेमिक आर्ट ब्लू पॉटरी से भला कौन परिचित नहीं होगा। पर्शिया से भारत आई इस कला को कालांतर में विलुप्त होने से बचाने के लिए जयपुर के राज परिवार के साथ ही कला मर्मज्ञ श्री कृपाल सिंह ने जो मुहिम छेड़ी उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परवान चढ़ाया। जयपुर की महिला उद्यमी लीला बोरदिया ने ब्लू पॉटरी आर्ट के साथ संरक्षण के साथ ही उसका कारोबारी विस्तार कर देश दुनिया में पहचान स्थापित करने वाली लीला बोरदिया को राष्ट्रपति पुरस्कार सहित अनेकों सम्मान मिल चुके हैं। समाज सेवा का जज्बा रखने वाली एक साधारण गृहिणी के रूप में शुरुआत कर उन्होंने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल महिला उद्यमी के रूप में स्थापित किया है। नीचा इंटरनेशनल इंक के जरिए उन्होंने ब्लू पॉटरी में कई व्यावसायिक सफलताएं प्राप्त की। वहीं अब उनकी मंशा बड़े स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित कर इस कला विधा का संरक्षण करना है। बिजनेस रेमेडीज के नॉलेज सीरीज में कला संरक्षक और विमेन एंटरप्रेन्योर लीला बोरदिया से साक्षात्कार किया प्रधान संपादक पुनीत जैन ने, जिनके सहयोगी रहे सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह और अमन वर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत जैन, आप सभी का स्वागत है बिजनेस रेमेडीज की नॉलेज सीरीज में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो कि लंबे समय से ब्लू पॉटरी बिजनेस से जुड़ी हुई है। राजस्थान की धरोहर को बचाए रखने के लिए उन्होंने कई सरकारी महकमे में कई बार प्रयास करे हैं, अपनी बातें रखी है। आप जो मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये राजस्थान की धरोहर जो कि ब्लू पॉटरीज है, जिसे सोविनियर क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं लीला बोरदिया मैम से। मैम, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि क्या है ब्लू पॉटरीज, थोड़ा सा बताइए मैम हमें इसके बारे में। पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी बिजनेस सीरीज नॉलेज, और उसमें आप अलग अलग तरह के बिजनेसमैन को लेते हैं, बिजनेसेस को लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट को लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह से लोगों तक हर बात पहुँचेगी, और उसके लिए आप लोगों को बहुत 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 मैं धन्यवाद के साथ साथ बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगी। मैम, थोड़ा सा ब्लू पॉटरीज के बारे में हमें बताइए, इसके इतिहास के बारे में हमें बताइए मैम। जी हाँ, मैं इस जयपुर ब्लू पॉटरी से काफ़ी अरसे से जुड़ी हुई हूँ। ऑलमोस्ट सोचिए कि 40-45 साल हो गए हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं तो ये 17th century में राम सिंह जी के टाइम पे ये क्राफ्ट हमारे यहाँ पे जयपुर में आया था, और 1886 तक हमको इसके रेविडेंस मिलते हैं, और उसके बाद ये पूरी तरह से लुप्त हो गया। फिर 1970 में राजमाता गायत्री देवी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और कृपाल सिंह जी, इन लोगों ने मिल के और इसको वापस रिवाइव करने का सोचा, और जो पुरानी चीज़ें थी उनको वापस से बनाने के लिए 2-3 साल काफ़ी मेहनत करके और आगे आए। 1974 में जब मैं जयपुर आई, और मैं तो सोशल वर्क के लिए कच्ची बस्तियों में जाती थी, और वहाँ पर मैंने देखा कि ये क्राफ्ट एक कमरे में 5-7 लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और वहीं पे खाना खाते हैं। तो मैं उनसे पूछा करती कि भाई आप लोग कहाँ से हैं, क्या हैं? बोले हम लोग किसान या गांव से हैं। और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो क्राफ्ट इतना अच्छा है, जिसकी मुझे भी नॉलेज नहीं थी, हम गांव में क्यों ना करें। और उनको मैं हर रोज़ ये कहा करती थी, और इस तरह हमें 2 साल लगे कि उनको हम वापस, जो किसान थे, वापस गाँव में भेजें। और वो गांव चले भी गए, पर फिर हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि किस तरह वहाँ पे माल पहुँचाएँ, क्योंकि सड़कें नहीं थीं, गांव में कच्ची रोड्स थे, कच्चे घर थे। पर करते करते हमें 4 साल लगे, पर 4 साल में हमने पूरी तरह से अपने आप को परिपक्व कर लिया, और हम इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। हमारे सामने ये एक समस्या आई कि हमने माल बना लिया, क्राफ्टमैन को, जो आर्टिस्ट है उनको पैसा देने को भी चाहिए, तो हमने इसको बेचना शुरू किया। बेचने के लिए हमने बहुत जगह ले जाते थे, तो लोग बाग कोई पसंद नहीं करता था, पर जो बाहर के देश के लोग आते थे वो इस क्राफ्ट को बहुत पसंद करने लगे। और उनसे सीखते सीखते हमने रियलाइज़ किया कि क्राफ्ट तभी आगे बढ़ सकेगा अगर हम इसमें यूटिलिटी आइटम बनाएंगे। और उसके बाद हमने बहुत सारे इनोवेशन किए, बहुत सारे इसमें चीज़ें लाने की शुरू की। जैसे सबसे पहले हमने इसमें बीट्स लाए, बीट्स से हमने ज्वेलरी बनानी शुरू की, उसके बाद नॉब्स लाए,
और नॉब्स लाने के बाद बहुत अलग अलग तरह के आइटम बनाने लगे। और आप जब ये देख रहे हैं जिस स्थिति में आज जयपुर ब्लू पॉटरी है, इसका दुनिया में तो नाम हुआ ही हुआ है, पर आपको आश्चर्य होगा हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े होटलों में ये अब शान मानी जाती है जयपुर ब्लू पॉटरी को रखना। मैम, राजस्थान की इतनी उम्दा धरोहर है ये, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक्सपोर्ट मार्केट में अभी भी इसकी पहचान है। थोड़ा सा इंडिया में अब किस तरह से ये उभर के आ रही है, क्या यहाँ पे अब जो जब मोल संस्कृति आई है भारत में, तो अब उसके बाद में क्या इसका चलन बढ़ा है, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इसको शुरू किया था तब तो अपने भारत में बहुत कम लोग, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत कम लोग इसको पसंद करते थे, पर धीरे धीरे जब बड़े बड़े होटलों में ये लगने लगा तो अब अपने हिंदुस्तान में भी इसकी पहचान बहुत अच्छी और स्टेटस सिंबल माना जा रहा है। तो इस वजह से तो मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं जिसको हम सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ भी मैं अक्सर लड़ाई करती रहती हूँ कि हमें एक साइंस लैब चाहिए और साइंटिस्ट चाहिए, ताकि हम इसकी और ज़्यादा जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ भी रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में इसका भविष्य काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं इस बार आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि हम इतने सारे अलग अलग तरह के शोज करते हैं, अलग अलग तरह के स्किल डेवलपमेंट का करते हैं, पर CBSE के साथ मिलके हमने अब ये विचार किया है कि 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट्स के लिए हम इस क्राफ्ट को एज अ सब्जेक्ट ले लें। क्योंकि आप देखिए CBSE में ऑलरेडी इसका एक चैप्टर है जयपुर ब्लू पॉटरी का, और ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाया जाता है, तो क्यों ना हम हमारे जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी स्टेट्स के क्राफ्ट हैं उसको हम स्कूल लेवल पर लाएँ। और स्कूल लेवल पे जब हम लाएंगे तो मैं नहीं सोचती कि हमेशा क्राफ्टमैन या आर्टिस्ट वाइट कॉलर जॉब ही मांगेंगे, फिर वो अपना ना जो अपनी इंडस्ट्री खोलेंगे उसमें अपने आप को वो करेंगे और बहुत लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब स्कूल में ही सिखाया जाएगा। देखिए 90% मार्क्स आने वाला तो डॉक्टर, इंजीनियर और वहीं पर देखता है, पर जिनके 60%, 50%, 70% मार्क्स हैं वो क्या करेंगे, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और इस तरह हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि अभी एक मुहिम भी चली हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने, तो इस तरह से तो हम बिना पैसा खर्चा किए ही एंटरप्रेन्योर बना देंगे। तो क्यों ना हम स्कूल लेवल पर ही अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मैम, लंबे समय से आप इस धरोहर को बचाए रखने के लिए चैलेंजेस को फेस कर रही है, लेकिन चैलेंजिंग मार्केट की अगर बात करें मैम, तो आज ये हैंडमेड इंडस्ट्री है जिसे आप रेगुलर, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन होने से, नई नई इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग होने से, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री ऑटोमाइजेशन की तरफ भी होगी, तो ऐसे में हैंडक्राफ्ट और ऑटोमाइजेशन तो एक्सपोर्ट मार्केट में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा। ओवरऑल मैं जानना चाहता हूँ कि अभी भी हैंडमेड आइटम में देखिए ये सवाल बिल्कुल सही है। हर तरह के लोग होते हैं, आप एक कम रुपये में भी लेंगे, एक हज़ार रुपये में भी लेंगे। जो हज़ार रुपये वाला लेगा वो सोचेगा कि क्या इसमें खासियत है और क्या इसका जो ताना बाना है किस स्तर का है। तो हैंडीक्राफ्ट में भी यही चीज़ लागू होती है कि हम हर तबके के लोगों के लिए माल बनाते हैं। तो आप ये कभी मत सोचिए कि हैंडीक्राफ्ट कभी भी लुप्त होगा, अगर हम इसके बारे में बहुत गहराई तक सोचें कि हम अपने आप को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे कीपिंग आवर आइडेंटिटी। हमें अपने क्राफ्ट की आइडेंटिटी ज़रूर बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब फिलहाल देखा जाए तो दुनिया में हिंदुस्तान, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं। उसका कारण भी यही है कि हम छोटे छोटे यूनिट्स अपने बनाते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मॉल है ठीक है, पर हैंडीक्राफ्ट भी उसी लेवल पे आगे आता जा रहा है। जब शुरू किया था हमने तब सिर्फ एक्सपोर्ट होता था और बड़ा दुख भी होता था, क्यों खाली एक्सपोर्ट हो रहा है, क्यों हमारे हैंडीक्राफ्ट को बाहर के देश के ही लोग ले रहे हैं। पर आज अगर आप देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट का हमारा मार्केट बराबर आ गया है, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना ही लोकल में जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही
कहना चाहिए कि हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी धरोहर को पहचान रहे हैं और वही चाहिए था हमें। मैम, निर्जा ग्रुप की अगर बात करें, लंबे समय से ये ग्रुप हैंडमेड के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को रोजगार दे रहा है अभी ग्रुप, और कोविड टाइमिंग में आपने किस तरह से सोशल एक्टिविटीज के थ्रू अपने सभी वर्कर्स को देखा? मैम, देखिए, ये सवाल मेरे ख्याल से आज के दौर में सबसे अच्छा सवाल है कि मैंने क्या किया है कि लोकल क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्टमैन है और लोकली वो रहने वाले हैं, तो हमारे को कोरोना काल में कोई भी तकलीफ नहीं हुई, हम पूरी तरह से कार्य कर रहे थे। सिरेमिक एक ऐसा आइटम है कि वो कभी पुराना नहीं होता, और जितना ज़्यादा इसका मतलब जितनी ज़्यादा इसकी एज हो जाती है उतनी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हर हैंडीक्राफ्ट का यही एक पहचान है कि जितनी वो हैंडीक्राफ्ट पुरानी होती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैं तो पूरे भारत से ये बात कहूँगी, अपील करूँगी कि अपने हैंडीक्राफ्ट को मत छोड़िए और उसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र के हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तब आपको लोकल क्राफ्टमैन मिलेंगे, लोकल लोग मिलेंगे, लोकल वो करेंगे और पूरी दुनिया में फैलाइए आप, तो आपको देखिए कितनी सहूलियत मिलेगी। ना हमको बाहर जाने का खर्चा होगा, ना कहीं और जाना पड़ेगा, वहाँ के वहाँ हमें सारे रॉ मटेरियल मिल जाएंगे। जयपुर ब्लू पॉटरी की खासियत भी यही है कि इसके रॉ मटेरियल भी हमारे राजस्थान के ही हैं, राजस्थान की धरोहर, राजस्थान का क्राफ्टमैन, राजस्थान की ही रॉ मटेरियल, तो इससे बढ़ के और हमें क्या चाहिए। मैम, इसी कड़ी में आगे मैं ये भी समझना चाहता था, जिस तरह से चाइना को बायकॉट करने की बातें चली है, तो क्या अब इस बिजनेस को एक्सपोर्ट मार्केट में और सफलता मिलेगी? देखिए, जहाँ तक ओरिजिनल कोई चीज़ होती है तो उसको तो चाइना से क्या किसी भी जगह से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो पहले भी हमारे माल उसी तरह बिकता था, आज भी इसी तरह बिक रहा है, तो चाइना से तो क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख दी है, और जब आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं तो उस क्राफ्ट को कभी कोई डर ही नहीं होता है। तो चाइना तो कई बार हमारी कॉपी करता है, हम चाइना की कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो क्या डर है। धन्यवाद। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ, हम आपको इसी प्रकार कारोबार जगत के दिग्गजों से साक्षात्कार करवाते रहेंगे। आर्थिक मामलों से जुड़ी हर खबर पर है बिजनेस रेमेडीज की पैनी नजर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।